आपको बता दें उत्तर प्रदेश से आ रही है, उत्तर प्रदेश का वोटिंग मीटर आपके सामने ला चुके हैं। सुबह 9 बजे तक एटा में 13.8% मतदान हुआ है। फतेहपुर सिकरी की बात करें तो फतेहपुर सिकरी में 14.12% मतदान हुआ है। आगरा में 10.0 हुआ है। वही आंवला में हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, जाके बरेली में 8.91% मतदान हुआ है। वही फिरोजाबाद में 13.36% मतदान हुआ है। संभल की बात करें तो संभल में 9 बजे तक 14.71% मतदान हो चुके हैं। बता दें यूपी के तीसरे चरण की 10 सीटों पर आज मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान हो गया है और यही सुबह 9 बजे तक वोटिंग मीटर हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। फतेहपुर सिकरी की बात करें तो फतेहपुर सिकरी में 14.12% मतदान हो चुके हैं। कैनपुरी में 12.33% मतदान हो चुके हैं। आगरा की तरफ चले तो आगरा में 10.62% सुबह 9 बजे तक मतदान हो चुके हैं। आंवला में 11.42% और बंदायू में वही 10.9% मतदान हुए हैं। बरेली की बात करें तो 8.91%, वही फिरोजाबाद में 13.36% मतदान हुए हैं। हाथरस में 10.77% मतदान हुए हैं। मैनपुरी में 12.41% मतदान हुए हैं। संभल में अब तक 4% मतदान हुए हैं। पर्व है, इसी के तहत आज 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव हुआ है, जहां पर फतेहपुर सिकरी लोकसभा सीट में 14.12% मतदान अभी तक हो चुके हैं। ये सुबह 9 बजे तक का वोटिंग मीटर हम आपके सामने लेकर आए हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैनपुरी की बात करें सुबह 9 बजे तक वहाँ 12.33% मतदान हुए हैं। वही आंवला में 11.42% मतदान हुए हैं। आगरा की बात करें 10.62% मतदान आगरा में लोग कर चुके हैं अब तक। बरेली की बात करें 8.91% मतदान हुआ है। वही फिरोजाबाद में 3% मतदान हुआ है। हाथरस की बात करें 10.77% मतदान हुआ है। मैनपुर में वही 12.18% मतदान हुआ है। संभल की बात करें 14.71% मतदान हो चुका है वहां पर। ये बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, जहां पर आज तीसरे चरण की 10 सीटों पर मतदान हुए हैं। और ये जो वोटिंग मीटर लेकर हम आपके सामने आए हैं, ये सुबह 9 बजे तक का है। बता दें सुबह 7 बजे से ही हर जगह वोटिंग शुरू का वोटिंग मीटर हम सामने लेकर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर।